बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको चिकन पॉपकॉर्न बनाने का तरीका बताती हूँ, जो बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल के हैं और स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए मैं तकरीबन 400 ग्राम बोनलेस चिकन लेके इसके इतने छोटे छोटे पीसेस में, क्यूब पीसेस में इसको काट लिया है। ठीक है, तो फिर चले हम तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो स्पाइसेस लिए हैं, तकरीबन आधी चम्मच पेपरिका पाउडर है, ये मेरे पास 1 चम्मच गार्लिक पाउडर है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच ये सफ़ेद मिर्च है वाइट पाउडर, और तकरीबन आधा चम्मच अनियन पाउडर है। ठीक है, ये मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं क्योंकि जब इसकी कोटिंग होगी तब के लिए मैंने यही मसाले हम इसकी कोटिंग में भी रखेंगे। ये सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दें। ये 1 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डाल दूंगी। सोया सॉस डालने के बाद ये मेरे पास 1 अंडा है जिसे मैंने फेंट लिया है। ये 1 अंडा इसमें शामिल करके हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा डालने के बाद ये चिकन को इसके तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, और तब तक हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब इसकी हम कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा लिया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, और ये तकरीबन 2 चम्मच ही चावल का आटा है। मैं तीनों चीज़ इसलिए अलग अलग रखी ताकि मैं आपको बता सकूँ। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। इसमें जो हम स्पाइसेस शामिल करेंगे ये वही सेम स्पाइसेस है जो हमने चिकन में डाले थे। ये तकरीबन आधी चम्मच गार्लिक पाउडर है, आधी चम्मच पेपरिका है, आधी चम्मच अनियन का पाउडर है, अनियन पाउडर, 1/4 ये नमक है, और 1/4 ही वाइट पेपर है। ये सारा चीज़ें हम इसमें मैदे, कॉर्नफ्लावर और चावल के आटे में डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब ये मिक्स हो जाता है तो मैं आपको फिर इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये हम कॉर्नफ्लावर, मैदा, चावल का आटा और सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है तकरीबन हमने। ये देखें, सब अच्छे से मिक्स हो गया है। इनको मिक्स करने के बाद ये हम चिकन जो है हमारी मैरिनेट की हुई, ये हम एक साथ 2-3 पीस डाल देंगे। इसे अच्छे से इसमें कोट करेंगे। अच्छे से कोट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने एकदम ठंडा यख पानी ले लिया है, इसमें थोड़ी मैंने आइस क्यूब भी डाल दी है। अब ये कोटिंग की हुई चिकन हम इसमें डालेंगे, और इसे डिप करके पानी में वापस हम इसी में डालेंगे। अगेन इसको कोट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉपकॉर्न हमारे क्रिस्पी बनेंगे। वापस इसमें डालें और ये इसको निकाल कर ये सारे पीस इसमें से, बस 1 सेकंड में आप इसको निकाल लें। वापस हम इसको अच्छे से मैदे में कोट करेंगे। अच्छे से मैदे में कोट करने के बाद ये देखें, इस तरह से हमारे पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। हम सारे पॉपकॉर्न इसी तरह से रेडी करके फिर आपको बताते हैं। सारी चिकन हमने कोट कर ली है, और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम 1-1 चिकन इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। सारी चिकन इस गरम ऑयल में डाल दें, और जब तक इसका अच्छा सा कलर, ब्राउन कलर पर आ जाए तब तक इसको फ्राई करें, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं। बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत टेस्टी भी बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मुलाकात होती है तो वो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।